जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है और अब 20 तारीख तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। अब बड़ी बात जो इस मामले पर है वो ये कि 20 तारीख के बाद क्या होगा, ये कुछ लोगों का सवाल है और इसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि अभी तक आर्यन खान क्वारंटीन सेल में मौजूद थे, वहाँ पे उन्हें कुछ समय बिताना होता है जैसे हर कैदी बिताता है, और उसके बाद फिर जो रेगुलर जेल होती है वहाँ पे उस कैदी को शिफ्ट कर दिया जाता है, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं या आमतौर पर जिसकी बात करते हैं। अब उसी जेल में, जो आर्थर रोड पे जेल है ये, वहाँ पे आर्यन खान अब हैं और वहाँ पे बाकी कैदियों की तरह ही उन्हें वो ड्रेस पहनना होगा और उनकी तरह ही खाना पीना उनका चलेगा और उन्हें बाकी कैदियों की तरह एक नंबर दिया जाएगा। अब जो 4 दिन आर्यन खान के आने वाले हैं वो काफ़ी मुश्किलों भरे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी बात जो है वो ये कि उनका क्वारंटीन सेल में जो हाल था वही बहुत बुरा था। बताया जाता है कि वो खाना नहीं खा रहे थे, पानी जो है सिर्फ पीकर और बिस्किट खाकर अपना काम चला रहे थे। इसके अलावा उन्होंने नहाना धोना खाना ये सब चीज़ें बंद कर रखी थी। तो अब जब नॉर्मल सेल में आएंगे जहां 500 और कैदी हैं, उनके साथ वह कैसा उनका रहने वाला है हिसाब, ये बहुत एक देखने वाली बात होगी। इसके साथ आपको दोस्तों बता दें कि 20 तारीख तक तो अब बेल टल चुकी है, 20 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी। 20 तारीख को अगर सुनवाई होती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई होगी, क्योंकि अगर 20 तारीख को भी आर्यन खान की बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो मामला बहुत लंबा खींचा जाने वाला है और ये मामला फिर हाईकोर्ट जाएगा और उस तमाम प्रोसेस में आर्यन खान को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। इसलिए 20 तारीख आर्यन खान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, लेकिन कईयों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि 20 तारीख को आर्यन को बेल फाइनली मिल जाए। लेकिन दोस्तों इस पर विश्वास इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी तक हमने देखा कि 16 तारीख को भी यही कहा जा रहा था, एक्सपर्ट्स का मानना था कि एनसीबी के पास कोई खास सबूत नहीं है, ना ही उनके पास ड्रग्स मिले हैं, ना ही वो ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे थे और यहाँ तक कि उनके खून में भी कुछ नहीं मिला है और सिर्फ व्हाट्सएप चैट के बेस पर ये पूरा जो सिलसिला है चल रहा है। और इसी पर सवाल उठाते हुए कईयों को ये लग रहा था कि अब फाइनली जो है आपका 16 तारीख को जो बेल है वो मिल जाने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब ये मामला 20 तारीख तक गया है और 20 को भी अगर ये बेल नहीं मिलती है तो आर्यन और शाहरुख की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। एक्शन लाइफ की रिपोर्ट।